भारतीय जनमानस को आकार और विचारधारा देने का महत्वपूर्ण कार्य स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय द्वारा किया गया। दीनदयाल जी के विचार और जीवन राजनीतिक संबंधित मार्गदर्शन इतिहास के तौर पर कभी भी नहीं भूल सकते। ऐसे विचार महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजू पोद्दार इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती भारतीय जनता पार्टी कलमेश्वर ब्राह्मी की ओर से श्री हरि मंदिर परिसर में नगर अध्यक्ष स्मृति खार, शहर अध्यक्ष धनराज देव के सभी पदाधिकारी, नगर सेवक, बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख की उपस्थिति में मनाई गई। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ला वैचारिक अधिष्ठान देना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांना मी विनम्र अभिवादन करतो। आज त्यांच्या जयंतीच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित कार्यकर्ते संपूर्ण देशामध्ये आणि विदेशामध्ये साजरा करतात आणि यामागचं कारणही तसंच आहे की खऱ्या अर्थानं भारतीय जनता पक्षाला, भारतीय जनसंघाला एक चिंतन देण्याचं काम, विचारधारा देण्याचं काम हे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी केलेलं आहे। उसी तरह सबसे पहले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रतिमा को अभिवादन किया गया। इस उपलक्ष्य पर कलमेश्वर ब्राह्मी के अध्यक्ष धनराज देव के, नगराध्यक्ष स्मृति खार, नगर सेवक मनोज शेंडे, नामदेव वैद्य, सुनील सुनारकर, प्रकाश वरुड़कर, पूर्व नगर सेविका एडवोकेट जयश्री पवार, शीतल सातपुते, अजय बोरे, रमनीक चौहान, वसंत केशरवानी, राकेश देशमुख प्रमुखता से उपस्थित थे। इन बीस न्यूज के लिए कलमेश्वर से योगेश कोरे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो। भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो।